हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जॉबलेस फैमिली में। दोस्तों, एसएससी सीएजीएसएल एग्जाम रिजल्ट 2018 का जो है एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने का लिंक यहां पर जारी कर दिया गया है। तो यहां पर फिलहाल दो रीजन का जो है लिंक अभी तक एक्टिवेट किया गया है, एक है कर्नाटक केरला रीजन और एक है साउदर्न रीजन। तो इन दोनों का रीजन यहाँ पर जो है लिंक एक्टिवेट किया गया है। तो दोनों लिंक यहाँ पर हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में रखा गया है, आप वहाँ से डायरेक्टली जो अपना एप्लीकेशन स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। तो इन दोनों दोनों जो रीजन है, तो इन दोनों रीजन को देख लेते हैं बारी बारी से कैसे आप लोग जो है अपना एप्लीकेशन स्टेटस को चेक करेंगे। तो मैं अभी यहाँ पर आ चुका हूँ जो है साउदर्न रीजन। तो यहाँ पर आने के लिए आप लोग को साउदर्न रीजन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो वहाँ पर आप लोग को आना होगा ssceesr.gov.in। तो यहाँ पर आप लोग को आना होगा। यहाँ पर आने के बाद जो पहला जो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 एग्जामिनेशन 2018 नो योर एप्लीकेशन स्टेटस। यहाँ पर आप लोगों को सिंपली क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक करने के साथ साथ एक और नया पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को जो है कैंडिडेट नेम देना होगा, उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देके आप लोग जो है अपना स्टेटस को चेक कर सकते हैं। और एक ऑप्शन दिया गया है जो कि है ओरिजिनल, आप लोगों को जो है रजिस्ट्रेशन आई डी है वो देने के बाद और जो है डेट ऑफ बर्थ देने के बाद आप लोग उसका भी लिंक यहाँ पर, तो आप जो अपना है वो स्टेटस देख सकते हैं। तो अभी जो दूसरा रीजन है तो उसको देख लेते हैं। तो मैं अभी हूँ यहाँ पर कर्नाटक केरला रीजन जो कि KKR रीजन है। तो यहाँ पर आने के बाद जो इम्पोर्टेंस लिख करके जो कॉलम दिया गया होगा उसके जो पहले नंबर होगा उसको आप लोगों को क्लिक कर लेना होगा। तो क्लिक करने के साथ साथ एक और नया पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी देना होगा और जो अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो दे के आप लोग सर्च करके अपना जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो देख सकते हैं। अगर आपके पास जो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप लोगों को यहाँ पर जो दिया गया है, इफ़ यू डू नॉट हैव योर रजिस्ट्रेशन नंबर प्लीज़ क्लिक हियर, तो यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर लेना होगा। तो क्लिक करने के साथ साथ एक और पेज खुल जाएगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों का जो है नाम देना होगा, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का जो है फादर नेम देना होगा, उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दे के आप लोग जो है सर्च करके अपना जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो देख सकते हैं। उस यहाँ पर जो नाम देने के मामले में बोला गया है कि आप लोगों का जो है फर्स्ट 4 कैरेक्टर आप लोगों को देना होगा, फादर नेम का भी आप लोगों को 4 कैरेक्टर देना होगा, पूरा नाम लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा करके जो अपना जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, जो लोग नया ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, एक और बात, आप लोग को फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप लोग का जो रीजन है तो अदर्स रीजन है तो उनका नहीं आया तो क्या हुआ, तो वो एक दो दिन में आप लोग का आ जाएगा। अगर आ जाता है तो हमारे जो पेज, हमारा जो चैनल है यहाँ पर आप लोग को जो अपडेट मिल जाएगा। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।